सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं लोकी क्राफ्ट, और आज हम एक नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वाइवल आइलैंड। देखते हैं गाइज, मैं इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये एक आइलैंड है जिसपे कुछ ट्री और ये चारों ओर से पानी से कवर हो रखा है, यानी मेरे को कोई फ्रीडम नहीं है, आसपास कोई विलेज के चांसेस नहीं है, मेरे को खुद खोजना पड़ेगा बहुत दूर तक जाकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर तुम लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो उसके थोड़ा ही नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी क्लिक कर ही देना। गाइस, इस सर्वाइवल आइलैंड का जो सीड है वो तुम लोगों ने पहले देख लिया होगा। चलो तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले मेरे को पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए मैं जल्दी से खूब सारे पेड़ काट लेता हूँ। तो गाइज, मैंने अब खूब सारे पेड़ काट लिए हैं, अब इनको प्लैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ और खूब सारी स्टिक और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। गाइज, मैंने क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बना ली है, अब इसका एक वुडन पिकेक्स बना लेता हूँ, जिससे कि मैं खूब सारे कोबल स्टोन तोड़ पाऊँ और उसके स्टोन के टूल्स बना पाऊँ। तो मेरे को कोबल स्टोन के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और मैं नीचे की ओर डिग कर रहा हूँ। और ये क्या, मेरे को पास में कोल मिल गया है। गाइज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेरे को कॉल मिल गया तो मैं अपने आइलैंड पे उजाला कर सकता हूँ, जिससे रात में मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे जल्दी से खूब सारे कोबल स्टोन और खूब सारे कॉल तोड़ लेता हूँ। गाइज, मैंने 6 कॉल तोड़ लिया है और 9-10 कोबल स्टोन तोड़ लिए हैं। अब ऊपर की ओर चलते हैं और स्टोन के वेपन्स बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टोन के स्वॉर्ड, पिकेक्स, एक्स और शॉवल बना लेता हूँ। गाइज, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मेरे को खूब सारे मॉब्स या फिर एनिमल्स को खोजना पड़ेगा, जिनसे मुझे खाना मिल सके और मैं खाना खा सकूं। गाइज, मेरे को यहाँ पे एक शिप दिख रही है, मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ और इसका खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। इससे मुझे वूल भी मिल गया, जिससे मैं बेड बना सकता हूँ। आगे मुझे एक पिक और एक शिप और दिख रही है, इनको भी मार देता हूँ। ये पिक भी मार दिया मैंने, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइज, अब खाने को पकाने के लिए मेरे को एक फर्नेस बनाना पड़ेगा, और फर्नेस के लिए मेरे पास कोबल स्टोन नहीं है, और कोबल स्टोन के लिए मेरे को माइनिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब मेरे को वापस से अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा कोबल स्टोन माइनिंग के लिए। गाइज, मैं सोच रहा हूँ हमें बाद में वैसे ही डायमंड माइनिंग के लिए अंडरग्राउंड रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसी बहाने हमें कोबल स्टोन भी मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से माइन कर देता हूँ। गाइज, मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोन तो दिख रहा है, मैं यहाँ से माइन कर सकता हूँ इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा और अंडरग्राउंड चलते हैं, अपन को और ज़्यादा स्टोन मिलेगा। तो गाइज, मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ और मेरे पास कोबल स्टोन भी बहुत सारे आ चुके हैं, जिनसे कि मैं फर्नेस तो बना ही सकता हूँ, और मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रखी है, इसलिए मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा फर्नेस बनाने के लिए, और मुझे रात का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि रात के अंदर यहाँ पे मैं ज़ॉम्बीज आते हैं। गाइज, मैंने 2 मटन इसके अंदर लगाए कुकिंग के लिए, और एक पक चुका है और दूसरा पक रहा है। तब तक अपन एक मटन को खा लेते हैं, अपने माइनक्राफ्ट मतलब लोकी क्राफ्ट का पहला खाना है, ये बहुत टेस्टी है। अब गाइस, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत तेज भूख लग रखी थी, अब ये वाला खाना भी खा लेता हूँ, मेरी पूरी हेल्थ भर जाएगी। गाइस, मेरे पास बहुत सारी टॉर्चें हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि उनको चारों लगा देता हूँ, ताकि उजाला हो जाए, क्योंकि रात होते ही यहाँ पे ज़ॉम्बीज स्पॉन होने लगेंगे और मेरे को बिना मतलब उनसे लड़ना पड़ेगा। तो गाइस, चारों लगा देता हूँ मैं टॉर्च, या साइड भी लगा देता हूँ, और थोड़ा और ऊपर की साइड भी लगा देता हूँ, जितनी भूख लगी उतना खाना और खा लेता हूँ मैं। गाइज, कुछ काम नहीं है तो अपन तब तक माइनिंग कर लेते हैं। बाय द वे, अपन को कोल मिल गया तो या फिर आयरन मिल गया तो अच्छा ही रहेगा। और गाइज, अपन को कोल मिल चुका है, काश आयरन भी मिल जाता। तो गाइज, जल्दी से अपन इस कोल को तोड़ लेते हैं। तो गाइज, मेरे को अंदर बहुत सारे कोल मिले, 47 कोल मिले हैं मेरे को, और अब अंदर कुछ और कुछ नहीं मिला, जैसे आयरन भी नहीं मिला मेरे को, इसलिए अब आगे माइनिंग करता हूँ मैं। गाइज, जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे वैसे अपन डायमंड के करीब होते जाएंगे, लेकिन उसके पहले अपन को आयरन ढूंढना पड़ेगा, और आयरन भी अपन को मेरे को लग रहा है मिल जाएगा। गाइज, आज के लिए बहुत ज़्यादा माइनिंग हो गई है, अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। मेरे को लगता है बाहर रात हो चुकी है और अब मॉब्स भी स्पॉन होंगे, तो अब हमें उनसे भी लड़ना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या होता है। गाइज, मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ, ताकि अपने सारे ज़रूरी सामान मैं उस चेस्ट में रख सकूँ और वो सामान सेफ रहे। तो यहाँ पर चेस्ट लगाता हूँ और सारे सामान इसके अंदर रख देता हूँ। गाइज, मुझे वहाँ पे एक एरो वाला दिख रहा है, कहीं वो मुझे मार के उसने मेरे को नीचे गिरा दिया। गाइज, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा, और ये ऊपर आ चुका है और मेरे को मारे जा रहा है, उसको मुझे जल्दी से मारना पड़ेगा वरना मेरे को मार देगा। तो गाइज, मैंने इसको मार दिया है, अब आगे पता नहीं और कितनी डिफ़िकल्टीज़ आएगी और मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गाइज, यहाँ से एक ज़ॉम्बी आ रहा है, इसको तो मैं यूँ ही मार दूंगा। ज़ॉम्बी से लड़ना मेरे लिए आसान ही है, जितना हार्ड एरो वाली से लड़ना है, इसको भी मैं आसानी से मार दूंगा। गाइज, जहाँ जहाँ पर अंधेरा है मैं वहाँ वहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ, क्योंकि साइड साइड में मैंने टॉर्च नहीं लगाई और यहीं पे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो रहे हैं,
और मेरे पे अटैक कर रहे हैं। तो मैं इन साइड भी टॉर्च लगा देता हूँ। और गाइस वहाँ पे एक और एरो वाला है, मेरे को इसको भी मारना पड़ेगा। तो इसको भी मैं मार देता हूँ और वो नीचे गिर गया। गाइस अब वो नीचे गिर गया तो मेरे को जाने का मतलब नहीं लग रहा, बाद में उसको मार दूंगा मैं। यहाँ पे एक मुर्गी है, इसको मार देता हूँ और जिसने अंडा दिया ये भी ले लेता हूँ। अब चलते हैं वापस अपनी जगह, खाना खा लेता हूँ, पहले मेरे को हेल्थ कम हो रही है। गाइस ये एरो वाला फिर से मेरे को मार रहा है, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा मारने के लिए। इसके पास जल्दी से जाता हूँ और इसको मारता हूँ, वरना ये मेरे को ही मार देगा। मैं मरना नहीं चाहता इतना जल्दी, फर्स्ट डे है मेरा इस गेम में और मैं फर्स्ट डे मर जाऊँ ये अच्छी बात नहीं है। गाइस अब ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रही है और सुबह के टाइम ये सारे ज़ॉम्बी जलने लगते हैं और मर जाते हैं क्रीपर को छोड़ के। और ये क्रीपर यहाँ पर है, इसको कैसे मारूँ मैं सोच रहा हूँ, कहीं ये फट नहीं जाए मेरे घर के पास। वैसे अभी मेरा घर तो कहाँ है, मतलब ये मेरे एरिया के पास। गाइस आखिर में क्रीपर मरा नहीं, आखिर फट के ही मरा, तो कोई बात नहीं, मर गया जो भी हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ इसके फटने से, ये अच्छी बात है। अब यहाँ से जाता हूँ मैं ऊपर। गाइस अब चलते हैं इस तरफ, देखते हैं यहाँ के क्या हाल चाल है। ऊपर की ओर जाने पर गाइस यहाँ पे एक मुर्गी है, इसको मार देता हूँ मैं। और गाइस आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा देखते हूँ आगे कुछ है तो नहीं। कल रात को मैंने यहाँ पे एक क्रीपर देखा था, मैं उसी को खोज रहा हूँ ताकि उसको मार सकूँ, लेकिन गाइस वो कहीं आस पास कहीं दिख नहीं रहे, लगता है वो जा चुका है। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है खेलना, आगे का पार्ट 2 मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हो और वीडियो के कुछ टाइटल दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं। और गाइस कुछ दिनों से मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बहुत कम डाल रहा हूँ, हफ्तों में एक एक वीडियो डाल रहा हूँ। गाइस ऐसे थोड़ी चलता है, इसलिए गाइस अब से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकती हूँ कम से कम टाइम में। सो गाइस मैंने जो बोला उसे भूलना मत, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। सो गाइस मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।